आखिर इस तस्वीर की सच्चाई क्या है? क्यों इतनी वायरल हो रही है ये कुछ सेकंड की तस्वीर? क्या वाकई में राष्ट्रपति ने प्रणाम किया तो पीएम मोदी ने अनदेखी कर दी? वायरल वीडियो की सच्चाई जान लीजिएगा और फिर आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो की सच्चाई पूरे देश को जाननी चाहिए कि पीएम मोदी ने क्या वाकई में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान किया। इस वीडियो में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं। उस समय देखने में ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री ने उनसे मुंह फेर लिया। क्या सच में ऐसा ही हुआ था? ये जाने बगैर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के आलोचक सवाल उठाने लगते हैं। मगर अब वायरल वीडियो के भीतर छिपी सच्चाई क्या है, आप वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये वीडियो अधूरा है। जी, पूरा वीडियो और सच से पर्दा उठे उससे पहले ये जान लीजिएगा कि ये वीडियो शनिवार 23 जुलाई 2022 की शाम का है, और ये वीडियो संसद भवन के सेंट्रल हॉल का है, और ये तब का है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा था। राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह और हस्ताक्षर पुस्तिका भेंट की जा रही थी। राष्ट्रपति ने अपना संबोधन दिया और इसके बाद वो मंच से उठते हैं और आगे की पंक्ति में बैठे गणमान्य व्यक्तियों के पास जाकर मिलते हैं। रामनाथ कोविंद सबसे हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार करते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वायरल हो रहा वीडियो भी ठीक उसी समय का है जब राष्ट्रपति हाथ जोड़कर मंत्रियों सांसदों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मगर हकीकत यह है कि जो वीडियो ट्वीट हुआ वो प्रधानमंत्री के हाथ जोड़कर राष्ट्रपति का अभिनंदन करने के कुछ सेकंड बाद का है, और ये वीडियो तब का है जब कैमरे का एंगल ऐसा था जैसे लग रहा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को प्रणाम करने के लिए रुकते हैं और वो उनकी तरफ देखते तक नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच में गैप है, और उस समय राष्ट्रपति दूसरी पंक्ति में खड़े लोगों से बात कर रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी तरफ देख रहे थे। दरअसल संसद टीवी ने बकायदा एक ट्वीट किया है जिसमें ये पूरा वीडियो है। उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में फैक्ट चेक में ये दावा गलत निकला। अब जब सच्चाई सामने आ गई तो लोग एडिट वीडियो शेयर करने वालों को जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। और अब ये भी जान लीजिए कि ये गलती किससे हुई है। ये गलती हुई है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से, जिन्होंने 14 सेकंड का ये वीडियो ट्वीट किया, जिसके बाद ये गलतफहमी पैदा हो गई, गलत संदेश गया, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग थी। बकायदा संजय सिंह ने जो ट्वीट किया वो भी देख लीजिए। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ऐसा अपमान, वेरी सॉरी सर, ये लोग ऐसे ही हैं, आपका कार्यकाल खत्म, अब आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। संजय सिंह ने जैसे ही ये ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर आम लोग और विपक्ष के नेता इस पर प्रतिक्रियाएं देने लग गए, रिएक्शंस आए, और जब हमने फैक्ट चेक किया तो पाया कि ये वीडियो आधा अधूरा है, यानी सच्चाई कुछ और है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े नेता भी गच्चा खा जाते हैं। वीडियो कहां और किस जगह क्रॉप करके पेश किया जा रहा है, एजेंडा या तो समझ नहीं पाते या फिर जानबूझकर फैक्ट से खिलवाड़ करते हैं। ऐसा ही इस वीडियो के साथ भी हुआ है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर लाइक करते हैं तो हर तस्वीर या वीडियो पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, शायद उस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई हो, जैसे कि इस तस्वीर के साथ हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।